दोस्तों वन प्लस 9 सीरीज का इंतजार खत्म हो गया है क्योंकि 23 मार्च को इंडिया में लॉन्च करने वाले हैं और यहां पर इस बार काफ़ी सारे न्यू अपग्रेड्स और चेंजेस करे गए हैं और यहां पर कैमरा सेक्शन में काफ़ी ज़्यादा फोकस किया गया है। तो आज हम इस वीडियो में वन प्लस 9 प्रो के बारे में बात करेंगे। तो हे गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल। मैं हूं अभिषेक और आप देख रहे हैं टेक माइंड यूट्यूब चैनल। स्टार्ट करते हैं और इसी तरह की वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि ऐसी वीडियो हम आपको आगे दे सके। तो पहले बात करते हैं इसके कैमरा सेक्शन के बारे में। तो इसमें आपको क्वाड रियर कैमरा सेटअप देखने को मिल जाएगा। इन स्मार्टफोन में मेन हाईलाइट कैमरा होगा जिसमें कि सोनी का एक नया सेंसर देखने को मिलेगा जो कि 48 मेगापिक्सल का होने वाला है और ये है सोनी का IMX789 का सेंसर और इस सेंसर के मदद से आप 8K की वीडियो रिकॉर्डिंग को 30 FPS में शूट कर पाएंगे। उसी के साथ ही 50 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस के लिए सोनी का IMX766 सेंसर देखने को मिल जाएगा और 8 मेगापिक्सल का टेलीफोटो लेंस जिसमें कि आप 3x तक ऑप्टिकल जूम कर पाएंगे और 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर होने वाला है। और यहां पर कैमरा सेक्शन कमाल का होगा क्योंकि वन प्लस हैसलबर्ग के साथ पार्टनरशिप कर रहा है और इसमें आपको अल्ट्रा क्लियर और अल्ट्रा वाइड के साथ एकदम शार्प फोटो खींच पाएंगे। तो बात आती है इसके परफॉर्मेंस के बारे में। तो इसमें आपको क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 888 का पावरफुल चिपसेट देखने को मिल जाएगा और दोस्तों आप लोगों को तो मालूम ही होगा कि वन प्लस स्नैपड्रैगन का सबसे पावरफुल और लेटेस्ट चिपसेट अपने स्मार्टफोन में देता है और यहाँ पर परफॉर्मेंस वाइज भी कोई दिक्कत नहीं होगी और इसमें आप हाई लेवल के गेम आराम से खेल पाएंगे और इस डिवाइस में आपका गेमिंग एक्सपीरियंस भी नेक्स्ट लेवल तक का होने वाला है। फाइनली बात करें इसकी फ्रंट साइड की, तो इसमें आपको 6.7 इंच की एक फ्लूड AMOLED डिस्प्ले के साथ QHD+ का रेजुलेशन डिस्प्ले में देखने को मिल जाएगा और उसी के साथ ही इसमें आपको 120Hz का रिफ्रेश रेट डिस्प्ले में मिलेगा। और दोस्तों मैं आपको बता दूं कि इसमें आपको LPTO का डिस्प्ले यूज किया गया है जो कि बैटरी का कंजप्शन कम करेगा और यहाँ पर जो डिस्प्ले होगी काफी अच्छी होने वाली है। चलिए और बात करें इसकी बैटरी डिपार्टमेंट के तरफ, तो यहाँ पर आपको 4500 mAh की बैटरी देखने को मिलने वाली है और बॉक्स में आपको 65W का फास्ट चार्जर मिल जाएगा और उसी के साथ इसमें आपको 45W का वायरलेस चार्जिंग का भी सपोर्ट मिलने वाला है। तो आते हैं इसके लॉन्च डेट और प्राइस की तरफ। तो ये स्मार्टफोन 23 मार्च को लॉन्च होने वाला है। तो दोस्तों इसकी बेस वेरियंट की प्राइस अराउंड 50,000 से लेकर 60,000 के बीच में हो सकती है। क्या आप लोग इस फोन के लिए एक्साइटेड हैं? वैसे आपको क्या लगता है इन स्मार्टफोन की प्राइस को लेकर कमेंट में बताइएगा जरूर। बस इतना ही था इस वाले वीडियो के लिए। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट, चैनल पर नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वाले वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।